2024 में निश्चित रूप से मैं आपको कहता कह सकता हूं कि मायावती बीएसपी पार्टी के लिए वोटों की बरसात होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के अंदर जितना गरीबों को, दलित पिछड़ों को, मुस्लिमों को या ओबीसी के लोगों को ऊंचे श्रेणी पर बड़े बड़े पदों पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जो बातें जो करके दिखाया है, इस देश के किसी नेता ने भी कर नहीं दिखाया है। तो मायावती की विचारधारा को देश में रोकना चाहता है, वह मूर्ख पिल्ले रूपी आंधी को दो हथेलियां लगा के रोकना चाहता है, जिसे रोकना कभी भी संभव नहीं है। और जिस प्रकार दुनिया का कोई भी पहाड़ सूरज के प्रकाश को नहीं रोक सकता, उसी प्रकार मायावती जी के प्रभाव को दुनिया की कोई भी ये अल्लू लल्लू जितने भी गुलाम प्रवृत्ति के लोग खड़े हैं, अकेला चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर अकेला चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता तो भड़बूजे की आंख को तो फोड़ सकता है। माने अखिलेश यादव जी का कि वो हमेशा रिजर्वेशन के विरोध में रहे हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन का विरोध, सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर बिल को या शुल्क कास्टों के विकास के कागजों को फाड़ने वाले अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी कोई भला नहीं करेंगे, वो एक हाथ से चाहते हैं कि एक तरफ लोग उनके गुलाम बने रहें। देखिए, मायावती जी का 2024 में उनकी सरकार का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मायावती एक दलित समाज का, या ये कहें कि मूल निवासी लोगों का, या ये कहें कि ओबीसी, सुरकास्ट और मुस्लिम का एक लाइफलाइन है, और उनसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर, उनसे बड़ा प्रशासक, उनसे बड़ा क्रिएटर, जनरेटर, प्रोटेक्टर, सपोर्टर और डायरेक्टर कोई देश में कोई दूसरा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने महिला होते हुए भी वो कार्य करे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ इस देश के शुल्कास्टों के लिए उसका 1% भी कार्य नहीं कर सके हैं। जो मायावती की विचारधारा को देश में रोकना चाहता है, वह मूर्ख पिल्ले रूपी आंधी को दो हथेलियां लगा के रोकना चाहता है, जिसे रोकना कभी भी संभव नहीं है। 2024 में निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं कि मायावती बीएसपी पार्टी के लिए वोटों की बरसात होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के अंदर जितना गरीबों को, दलित पिछड़ों को, मुस्लिमों को या ओबीसी के लोगों को ऊंचे श्रेणी पर बड़े बड़े पदों पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जो बातें जो करके दिखाया है, इस देश के किसी नेता ने भी कर नहीं दिखाया है। ब्रजलाल जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, जो आजकल बीजेपी के एमपी के रूप में बने हुए हैं, इनको डीजीपी बनाने का श्रेय भी मायावती को जाता है। ऐसे रोड जिन पर हवाई जहाज पहली बार भारत में किसी सड़क पर उतर सकता था, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे, वो सब इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश के बनाने का श्रेय केवल मायावती को जाता है। वे गरीब जिनको भूमि दी गई, पट्टे की जमीन दी गई, जिनको आबादी की जमीन दी गई, वाकायदा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन हुआ कि 1 जून 1996 से पहले जिस भी शुल्कास्ट के आदमी का किसी जमीन पर कोई कब्जा है, जेड़े की धारा, जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट की धारा 122(4)(f) के तहत उसका कब्जा माना जाएगा और असिस्टेंट कलेक्टर उसको मालिक समझते हुए उस एग्रीकल्चर लैंड को या आबादी के लैंड को उसको मालिक देगा, उसको मालिकाना हक देगा। दूसरी बात, इस देश के अंदर इससे पहले ये होता था, जिन लोगों को सरकारी जमीन का पट्टा दिया जाता था, चाहे वो माननीय इंदिरा गांधी के टाइम में 20 पॉइंट्स प्रोग्राम में हो, जमीन दी जाती थी तो कागज नहीं दिया जाता था, कागज दिया जाता था तो जमीन नहीं दी जाती थी, जहाँ कागज और जमीन दोनों दिए जाते थे रात को उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो देश में एक जो सामाजिक संतुलन को बनाने की जो क्षमता मायावती जी में है, उसका वो क्षमता किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं है। मायावती जी ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टेचू बनाई, उसी विचारधारा से प्रभावित होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाई। जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की और मान्यवर जो युग प्रवर्तक काशीराम जी की जब मूर्ति मायावती जी ने बनाई, उसी से प्रेरणा लेकर और अपना गुरु मानते हुए योगी आदित्यनाथ ने राम की मूर्ति को सरयू नदी के किनारे बनाया। तो मायावती ने उन लोगों को जिनको कभी एसपी नहीं बनाया जाता था,
जिनको कभी किसी थाने का इंचार्ज नहीं बनाया जाता था, जिनको किसी देश में जिला मजिस्ट्रेट नहीं बनाया जाता था, तो उन लोगों को जिला मजिस्ट्रेट बनाया, कमिश्नर बनाया, उन लोगों को बड़े बड़े पद पर बनाया, इवन DGP बनाया, IG बनाया। और आज हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि देश की राजधानी में भी कितने पुलिस स्टेशनों में कितने शुल्कास्त के लोग SHO लगे हुए हैं, और जितने भी हमारे जिले दिल्ली के अंदर हैं कितने में DCP शुल्कास्त लगे हुए हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। BJP नहीं चाहती कि किसी, चाहे कितना भी काबिल शुल्कास्त हो, किसी थाने का SHO लगे। आप पार्टी नहीं चाहती कि किसी थाने का SHO जो है कोई शुल्कास्त लगे। आप ये देखेंगे कि ये जो मायावती की प्रवृत्ति उनकी सरकारी नौकरी देने की थी, उन्होंने लाखों लोगों को एक छोटी से छोटी पोस्ट पर, गांव के सफाई कर्मचारी के पोस्ट पर लोगों को लगाया, कितनी वैकेंसियां निकाली जिन पर उन्होंने लोगों को बनाया, लोगों को आवास जो काशीराम आवास के तहत लाखों लाखों करोड़ों मकान दिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मायावती ने किसी का बिजली का बिल माफ़ नहीं करा, मायावती ने किसी का पानी का बिल माफ़ नहीं करा, मायावती ने लोगों को रोजगार दिया ताकि वो पड़ोसियों का बिल भी भर सके। आज माननीय केजरीवाल साहब की क्या पॉलिसी है कि लोगों को रोजगार ना दें, लोगों को सरकारी नौकरी ना दें, उनको मुफ्त में पानी दें, मुफ्त में बिजली दें। लेकिन अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो आप पड़ोसियों का भी पानी का बिल भर देंगे, अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो बिजली का बिल आप रिश्तेदारों को भर देंगे। तो सरकारी योजनाओं को सरकारी नौकरियों को खत्म करने का जो प्लान है वो BJP पार्टी का प्लान है, और BJP की जो बीप टीम की पार्टी आप पार्टी है उसका कोई नौकरी देने का प्लान दूर दूर तक भी नहीं है। जो शुल्कास्तों के हित की आवाज आप पार्टी में उठाएगा उसकी गर्दन काट ली जाएगी, उसका पद छीन लिया जाएगा, उसका मेरुदंड तोड़ दिया जाएगा, खून का प्रवाह रोक दिया जाएगा, उस आदमी को नपुंसक बना दिया जाएगा, उस आदमी को गुलाम बना दिया जाएगा। राजेंद्र पाल सिंह मिनिस्टर, सोशल मिनिस्टर, दिल्ली सरकार का एग्जाम्पल आपके सामने है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर एक बार भूकंप आ जाए तो दोबारा आने की बड़ी प्रबल संभावना होती है। जब सत्तारूपी भूकंप मायावती जी का 4 बार चीफ मिनिस्टर बन चुकी है, तो मैं कहता हूं 2024 में जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार दुनिया की कोई भी ताकत 2024 में मायावती साहब की सरकार बनने से नहीं रोक सकती है। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग ये सोचते हैं कि अकेला चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर अकेला चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता तो भड़बूजे की आंख को तो फोड़ सकता है। आप ये देखते हैं कि दलित समाज में, शुल्कास्त समाज में, OBC में, देश के अंदर एक भी शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है जो सरकार को दलितों के हित के लिए, जो सरकार को शुल्कास्तों के हित के लिए या उनकी सरकारी नौकरी के लिए झुका सके। अगर कोई है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो निडर है, जिसके अंदर असीम ताकत है, तो केवल मायावती जी हैं। और जिस प्रकार दुनिया का कोई भी पहाड़ सूरज के प्रकाश को नहीं रोक सकता, उसी प्रकार मायावती जी के प्रभाव को दुनिया की कोई भी, ये अल्लू लल्लू जितने भी गुलाम प्रवृत्ति के लोग खड़े हैं, आपको मैं बता दूं ये कभी भी उनके बराबर टच पर नहीं आ सकते। उन्होंने इतना विकास किया है, गौतम बुद्ध का नाम जिला गौतम बुद्ध रखना और उनके नाम से MP की सीट बनाना और हर जगह बुद्ध का प्रचार करने का, सम्राट अशोक के बाद अगर भारत में किसी ने जमीनी रूप से अगर प्रचार किया है बौद्ध धर्म का और बाबा साहेब का, तो मायावती जी ने किया है, BSP पार्टी ने किया है। मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, ये बात बहुत ध्यान में देने की है कि अगर छिपकली का बच्चा जिंदगी भर दीवार पर अकड़ता रहे तो मगरमच्छ नहीं बन सकता है। जो BSP के खिलाफ शुल्कास्त के छुटवइये नेता खड़े हैं उनको सिर्फ गुलाम बनाए जाएंगे और वो टीवियों के सामने रोएंगे और वो अखिलेश से भी एक एक वोट मांगेंगे। अखिलेश जी की सबसे बड़ी खासियत ये है, उनका प्रभाव ये है माने अखिलेश यादव जी का, कि वो हमेशा रिजर्वेशन के विरोध में रहे हैं। उनको समर्थन वाले एक बार समाज में जाके कहते हैं शुल्कास्त के लोगों को कि हम रिजर्वेशन के विरोधी हैं, हम अखिलेश को इसलिए करते हैं। प्रमोशन में रिजर्वेशन का विरोध सबसे पहले
पार्लियामेंट के अंदर बिल को या सुलकास्टों के विकास के कागजों को फाड़ने वाले अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी कोई भला नहीं करेंगे, वो एक हाथ से चाहते हैं कि एक तरफ लोग उनके गुलाम बने रहें और दूसरी तरफ से दूसरे जाति के लोग उनको चीफ मिनिस्टर, जितने भी जिले थे चाहे वो गुरु रविदास के नाम पे था, चाहे वो भीमनगर था, हापुड़ था या जो भी जिला था, उनको वापस जिले में बदलने के लिए, दलितों का अपमान करने के लिए, दलितों को जानवर बनाने के लिए अगर किसी दूसरे चीफ मिनिस्टर ने प्रयास किया है तो उसका श्रेय केवल अखिलेश जी को जाता है। 2014 के जब भी वो उसके चीफ मिनिस्टर बने मायावती जी के बाद में, उन्होंने सारे कल्याणकारी जितनी स्कीम थी उन सारी स्कीमों को खत्म कर दिया। आज देश में तबाही मची हुई है और मैं आपको बता रहा हूँ ये तबाही अगर इसको हमने 2024 में बीएसपी पार्टी को सत्ता में नहीं लाया गया तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीएसपी पार्टी में को सत्ता में नहीं लाया गया तो भारत के संविधान को खतरा है, शुल्कास्टों की मायन बेटियों की इज्जत को खतरा है, हमारी सरकारी नौकरियों को खतरा है, हमारी एजुकेशन को खतरा है। आप देखिए मायावती जी ने क्या काम करा, चीफ मिनिस्टर होते उन्होंने कई यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, अनेक यूनिवर्सिटी बनाई हैं, महापुरुषों के नाम पर बनाई हैं, जो बहुजन समाज की या कहते हैं कि श्रवण संस्कृति की, जो उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोले हैं, जो उन्होंने कॉलेज स्कूल खोले हैं, उन्होंने लड़कियों के लिए अलग नोएडा में स्कूल खोले, बालिका स्कूल अलग, पंसील विद्यालय अलग, अनेक लाखों ऐसी योजना चलाई जिनको आम आदमी नहीं जानता। लेकिन दूसरी तरफ मायावती की प्लानिंग को, जो दलित कल्याणकारी थी उनको नेस्तनाबूद करने पर एक एक पोस्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में झूठे मुकदमे डाले जाते थे। वो झूठे मुकदमे कौन डाल रहे थे, झूठे मुकदमे बीजेपी के लोग डाल रहे थे, बीजेपी के गुलाम डाल रहे थे और वो लोग डाल रहे थे जो अखिलेश जी द्वारा मायावती जी को डाउन करना चाहते हैं। हमारे लोगों को याद रखना चाहिए कि अगर मायावती हमारा मेरुदंड है, अगर आपका मेरुदंड टूट गया तो सोचने की पावर खत्म हो जाएगी, आपका खून का प्रवाह रुक जाएगा और बहुत जल्दी जो मूल निवासी दलित या शुल्कास्ट ओबीसी है इस देश में गुलाम बन जाएंगे। जितना प्रचार मायावती ने या उनके अधिकारियों ने रात में थाने में न्याय की बात की गई उतना कोई भी काम नहीं कर सकता है। और इस देश में शुल्कास्टों के लिए रोजगार का कहीं से अगर स्रोत फूट सकता है जिस प्रकार जल का स्रोत फूटता है तो केवल बीएसपी पार्टी की सत्ता में आने पर है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बीएसपी के पदाधिकारी दिल्ली में है वो बीएसपी के विकास के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उनके अंदर उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई है। नौजवानों को जोड़िए, बूढ़े आदमियों को हटाइए, वो सिर्फ उनके अंदर कार्य करने की या प्रचार करने की कोई क्षमता नहीं है। और आज कैडर ना होने के कारण बीएसपी का वोट का स्तर गिरा है। जो लोगों में शक्ति नहीं है, जो लोग ग्रामीण एरिया में नहीं जा सकते, गांव के लोगों में जाकर प्रचार नहीं कर सकते, वो बीएसपी के पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। बीएसपी ने जब एक बार आप देखेंगे जब बीएसपी ने यहाँ पर इतने दिल्ली के अंदर इतने एमएलए इतनी कॉरपोरेशन की सीट जीती, उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई, तो वेयर दी वेंट रॉन्ग, हमसे गलती कहाँ हुई। हमें प्रचार प्रसार की जरूरत है और अगर हम प्रचार प्रसार करेंगे पूरे देश की भूमि, उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की भूमि मायावती के श्रवण संस्कृति से बीएसपी पार्टी के लिए तैयार है, उसमें प्रचार प्रसार की जरूरत है। और मैं गालिब के एक शेर को कहूँगा कि गालिब एक भूल में जीवन भर करता रहा, अरे धूल तो जमी थी मेरे चेहरे पर, मैं आईने को साफ करता रहा। तो कोई भी दलित शुल्कास्ट का आदमी भूल ना करे, बीएसपी के अलावा कोई वोट ना डाले। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।